वंदे गुरुपद्द्वंद्व भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदय गोपीजनो समयुक्त बृंदावन मनोहर वाशाकुवश कृपा सिंधुभ्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृंदावि तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवश्च श्रीनभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरन देयं सदा परिभवग्नमविष्टदुहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चन्तं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपालभवाद्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजितकिमपि गभवदुष्वदर्श पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिकामयी कदा कृपा करोषि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदतु संकीर्तन कवितरु कमलायताक्षु विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषी तुभानुभागम नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वरानसीपुरपति भजविशनाथ वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संविद्धं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
जन्नामधीयम्रियमानु आतुरः पतनोस् पतनस्खलन वा विवसो गृणन् पुमान् विमुक्त कर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्षन्ति न तं कलो यनः जन्यामधीयम्रियमान आतुरः पतनस्खलन वा विवसो गृणन् पुमान् विमुक्त कर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्षन्ति न तं कलो यनः गौरी गोष्ठीपति शिशिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा परमांश जगत गुरु जी ने बताए स्वतंत्रता का माने हैं अभक्ति। स्वतंत्रता का माने हैं अभक्ति, भक्ति नहीं। गौरी गोष्ठीपति शिशिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा परमांश जगतगुरु जी ने बताएं, जितना दिन तक हम लोग अपना ताकत का ऊपर भरोसा रखे, हम एक पहलवान हूँ पहलवान, जब तक अपना ऊपर भरोसा रखे, अपना ऊपर आत्मभरिता अहंकार अभिमान, अपना जितना सारे मटेरियल जगत में अभिज्ञता एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है, अपना एक्सपीरियंस के ऊपर भरोसा रखे, अपना बुद्धि बहुत, हमारा बुद्धि बहुत शार्प है, बहुत जब तक थके ऐसा विचार रहे हम बड़ा बुद्धिमान है, हम बड़ा बहुत सारे हैं, तब तक आदमी मानुष भगवत चरण में शरणागत हो नहीं पाए। तब तक आदमी कोई भी भगवत चरण में शरणागत हो नहीं पाए, संभव नहीं। बद्ध जीवों का ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जन्म जन्म का बद्धजीव दूसरे का अंदर में बहुत सारे दोष निकाल सकता है। बद्धजीव दूसरे का अंदर में बहुत सारे निकाल देगा दोष, लेकिन अपना अंदर में कुछ दोष दिखाई नहीं पड़ता। तब तक अपना कोई दोष देख नहीं सकता, संभव नहीं है दूसरे का दोष देख सकता। जब अपना ऊपर भरोसा रखे, अपना ताकत के ऊपर, अपना विचार बुद्धि का ऊपर, अपना एक्सपीरियंस का ऊपर जब तक भरोसा रखे, तब तक कोई भी आदमी भगवत चरण में शरणापन्न होने में समर्थ नहीं होंगे। प्रपत्ति वा शरणागति बुद्धि जब तक ना आए, जब तक प्रपन्न शरणागति अगतिर नाथ डाकितव नाम एखन भरोसा तुम्हें, अब तुम्हें एक भरोसा हो। बारिश बाकी सारे हम देख लिया है, कुछ नहीं रखा, अब अभी मेरा भरोसा हो। अनाथेर नाम डाकितव नाम, अनाथेर नाथ डाकितव नाम एखन भरोसा तुम्हें, अनेक जत ने मैंने क्या है कीर्तन काम क्रोध आदि दमन के लिए अनेक जतने छरिया ची आसामी, यानी काम क्रोध लोभ मोह ये सब जय करने के लिए बहुत चेष्टा मैंने किया, बहुत चेष्टा, लेकिन हो नहीं पाया। बहुत चेष्टा की लेकिन हो नहीं पाए। तो अभी हम सब छोड़ के अपना पर्सनल एफर्ट, अपना ऊपर जो भरोसा वो छोड़ के आपका चरण में मैं शरणागत हूँ। अनेक जतों ने कीर्तन, भक्ति ठाकुर कीर्तन है, अनेक जतों ने शेषव दमने
অনেক যতনে অনেক অনেক যতনে সেসব দমনে ছাড়িয়াছি আশা আমি অনাথের নাথ ডাকিতব নাম এখন ভরসা তুমি আমার কাম ক্রোধ আদি বহুত জয় করার চেষ্টা কর লিয়া বহুত দেখ লিয়া আব কুছ নেই হো পায়া আব তোমারা চরণ মে সব ইয়ে হ্যাঁ শরণাগতি কা রাস্তা जब तक भगवत चरण में शरणापति ना हो शरणागत बुद्धि जब तक ना से तब तक हम लोग हम बड़ा हम सबसे बड़ा आरहो बात इसी को ही मूल्य देते हैं। जब अपना धार किया हुआ शक्ति का क्षुद्रता अब आदमी पूछे कि धार उधार किया हुआ क्यों बोल रहा है शक्ति तो मेरा ही है शक्ति आपका है ये गलत फहमी है शक्ति आपका नहीं है। इस जगत में प्रकृति क्रिया मानती आपका शरीर पांच भूत से बना हुआ है मैया का कोप से जन्म लिए हो और जितना सारे मिट्टी का विकार है गेहूं चावल बार्ली सब खाते खाते शरीर को टगरा बनाया आपने सोचा कि ताकत आपका है लेकिन आपका नहीं है आपका ताकत नहीं है ये प्राकृतिक क्रिया माने खाना के द्वारा जो विटामिन्स मिनरल विटामिन्स मिनरल सब आए प्रोटीन खाया है सही ताकत आया और ना खाओ तो प्रोटीन नहीं कुछ नहीं मिलता है मुश्किल हो जाता तो मतलब आपका ये ताकत है ये आपका नहीं इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया जब कोई आदमी अपना उधार किया हुआ जब कोई आदमी अपना उधार किया हुआ शक्ति का ऊपर भरोसा छोड़ दे महसूस करे तो कितना वीक है। जब अपना अहंकार का ऊपर भरोसा छोड़ दे अपना प्रयास प्रचेष्टा जो मैं बड़ा हूं दिखावा ये जब समझ में आते ये जब समझ में आ जाते कि मेरा सारे प्रयास प्रचेष्टा बेकार है तब ही आदमी शरणागत होकर अवरोहवाद स्वीकार करे उसका पहले नहीं करता है उसका पहले कभी नहीं करता है। जैसे ब्रह्मा जी जब भी हमारा ब्रह्मा जी हमारा गुरुवर्ग है तभी लीला करके दिखाया है। ब्रह्मा जी जब अपना ताकत पर भरोसा रखा तो धोखा खा गया था धोखा खा गया। अब जब ब्रह्मा जी समझ गया कि मेरा बस का काम नहीं है तब शरण तभी बोल रहा है ज्ञाने प्रयास मदपस्व नमंती एव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम सने स्थिता सतिकताम तनुवान मनोभीर जय प्रयास अजीत जीतोपयोशी त्वय स्त्रीलोक्यम ज्ञाने प्रयास मदपस्व अपना ऊपर बल भरोसा छोड़कर भगवान का चरण में गिर गिरा है। इंद्र भी ऐसा गोवर्धन पर्वत धारण किया भगवान इंद्र ने अपना तरफ से पूरी कोशिश की चूर चूर करने के लिए डुबा देने के लिए ब्रजधाम को चूर चूर करने के लिए लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर पाए अंतिम में बोका बन गया। मैं कौन हूं है इतना कोशिश किया 7 दिन तक इतना कोशिश का बावजूद हम कुछ नहीं कर पाया बेकार हो गया। तब शरणागत होके भगवान श्री कृष्ण का चरण में गिर गिराया हमको क्षमा करे आप हमको क्षमा करे हम तो उल्टा समझा आप ही हो सब परात्पर अखिलेश्वर भगवान आप ही हो ऐसा करके पैर छुआ और गिर गिराया हमको क्षमा करे शरणागत होगा
आदमी जब तक अपना बल भरोसा पर विश्वास रखे तब तक उसको शरणागति के रास्ते में आना संभव नहीं हो पाता। प्रभुपाद कहते हैं देखो ये जो गजेंद्र है, गजेंद्र मत्त हाथी है, उन्माद है। गजेंद्र पूर्वे मत्त हाथी है, पागल है और अपना बाल बच्चा बीवी को लेकर सरोवर में नहाने उतारी। इतना क्रीड़ा किया, इतना खेलकूद किया कि मत पूछो। तब एक जलचर प्राणी कुंभीर मगरमच्छ इसको पकड़ लिया, पैर में पकड़ा। तो ये पानी का जीव है, आप पानी का जीव तो है नहीं आप, इसीलिए ताकत पानी का जीव का पानी में ही ज्यादा होता है। तो इन्होंने इतना जोर से खींचा को अपना जीवन जिंदगी जो है ये मुसीबत में गिर गया, मुसीबत में फंस गया। इतना मुसीबत में फंस गया कि अभी जीना मरना का सवाल है, जीने मरने का सवाल है। उस समय क्या हुआ, गजेंद्र छुड़ा नहीं पाए, अंतिम में बहुत प्रयास प्रचेष्टा कर ली, बहुत कर लिया महाराज, बहुत देख लिया। उसके बाद बीवी बच्चा सब ने पकड़ कर एकदम जोर से खींचा, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। ऐसा करके हाथी आई मीन गजेंद्र और जो कुमीर है वो हु गंधर्व है, और ये हाथी का रूप में इंद्रद्युम्न महाराज है। दोनों में इतना लड़ाई हुआ आपस में कि मत पूछो। 1000 साल बीत गया, युद्ध खत्म ही नहीं होने वाला। अरे बाप रे, दोनों ही अपना अपना ताकत को सामने रखने का कोशिश की, लेकिन गजेंद्र जो अब ये पानी का तो है नहीं, गजेंद्र पानी में रह नहीं सकता। तो गजेंद्र का जो बल है, पावर है, ये धीरे धीरे कमती होते जा रहा है, ये धीरे धीरे कमती होते जा रहा है। अब क्या करें, बाद में ये अपने को छुड़ा नहीं पाया, अपना सगे संबंधी रिश्तेदार कुछ बीवी बच्चा सब कोशिश छोड़ दिया, अपना ताकत पर भरोसा छोड़ दिया। अंतिम में ये भगवान को बुलाने लगा, क्यों बोले पूर्व जन्म का संस्कार है, पूर्व जन्म का ये संस्कार है, इसीलिए याद आ गया, इसीलिए भगवान को पुकारने लगे। लेकिन डायरेक्टली नाम बोल के नहीं, अब हम हरिनाम चिंतामणि चर्चा कर रहे हैं नाम का प्रभाव का बारे में। देखो जब भी इनडायरेक्टली भगवान का कुछ नाम नहीं बुलाया, फिर भी भगवान समझ गया कि मेरे को बुला रहा है, भगवान समझ गया। गजेंद्र का पूर्व जन्म का गुरु से प्राप्त किया जो मंत्र है वो याद आ गया, इसीलिए लिखा हुआ है जजापो परमम जप्यम प्राग जन्मानुशिक्षितम। क्या लिखा, पहले लिखा जजापो परमम जप्यम प्राग जन्मानुशिक्षितम, पूर्व जन्म में जो गुरुजी से प्राप्त हुआ मंत्र है ये याद आ गया, वो जप करना शुरू कर दिया। इसके पहले ये महसूस किया कि मेरा बस का काम नहीं, कोई रुकने से पहले शरणागत तो नहीं हुआ था। गजेंद्र भगवान का शरण में गया कब, जब से सारे प्रयास प्रचेष्टा बेकार हो गया,
जब सारे प्रयास प्रचेष्टा बेकार हो गया तब प्रकृति क्रियामानानी गुणी कर्माणी सर्वशः अहंकार विमुरात्मा कर्ता अहम इति मन्नते। अहंकार विमुरात्मा जो व्यक्ति है जो लोग है ये कर्मकांडीय बुद्धि ये लोग अभ्युदयवादी अभ्युदयवादी हमारा उन्नति हो जाए। धनम देही जनम देही जशो देही है दिशो जो ही ये चाहता अरे नंगा भिखारी नंगापन धनम देही जनम देही जशो देही दिशो जो ही ये क्या बात है ये भी कोई मांगने का चीज है। दो दिन का जिंदगी है हैं छागल का माफी मांग रहा है लेकिन क्या करे बुद्धि खराब है। अहंकार विमुरात्मागण कर्मकांडीय बुद्धि अभ्युदयवादी ये लोग आरोहवादी ये ऊपर जाना और ज्ञानी व्यक्ति ये भी मूर्ख है ये अपने को ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु कोरी माने बंगाली में लिखा है ज्ञानी अपने को अरे मैं जीवन मुक्त दशा पे पहुंच गया हूँ ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु कोरी माने वस्तु तो बुद्धि शक्ति न शुद्धि न है भक्ति भी नहीं भक्ति छोड़कर बुद्धि शुद्धि ही नहीं है तो मुक्त की काय बात की किस बात की मुक्ति। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु कोरी माने वस्तु तो बुद्धि शुद्धि न है भक्ति भी नहीं। ज्ञानी ब्रह्म होने के लिए दौड़ता है क्षुद्र जीव कैसे ब्रह्म हो पाएगा। अरे ब्रह्म विभु वस्तु अनंत हरि अनंत हरि रूप अनंत हरि हरि अनंत हरि रूप अनंत कैसे कोई भावे। क्षुद्र अवस्था से मैं बड़ा बन जाऊं ये जो विचार है इसका नाम है आरोहवाद है ना इसका नाम है आरोहवाद ऊपर उठूं मैं बड़ा बन जाऊं इसका नाम है आरोहवाद। असेंडिंग प्रोसीड्यूर डिसेंडिंग प्रोसीड्यूर दो पद्धति है। हम लोग जिस जगह अभी है ये जगह से आरोहवादी ज्ञानी होने का जत्न केयर नहीं करना चाहिए। आरोहवादी कर्मी ज्ञानी योगी होने का जो दुर्बुद्धि है जो दुष्ट बुद्धि है ये छोड़ना चाहिए। या तो भुक्ति और मुक्ति का पीछे भी दौड़ना नहीं चाहिए। भुभुक्षा भुमुक्षा के द्वारा प्रताड़ित चीटेड प्रताड़ित होके यदि अगर काय मन ये जो होके अगर रहे तो अनंत काल में कोई मंगल नहीं मिले। यदि अगर काय मन वाक्य में गुरु वैष्णव के चरण में अर्थात भगवान के चरण में शरणापत होके हम भगवान को प्रार्थना करें तो फिर हम लोग जयजुक्त तो हो जाएंगे। जिनका पास जितना पांडित्य तो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो जितना पंडित हो या तो मूर्ख हो जो जहां उपस्थित हो वहां से कुछ करने का दरकार नहीं। सिर्फ शुद्ध गुरु वैष्णव का मुखारविंद से वैकुंठ वाणी अप्राकृत वाणी सुनना शुरू कर दो। प्रभुपाद का ये सजेशन है उपदेश है सजेशन में नहीं उपदेश है। श्री गुरु वैष्णव से पहुंचा हुआ संत महात्मा का मुखारविंद से कंटिन्यूअसली हरि कथा वैकुंठ वाणी शोभन करना शुरू कर दो। वर्तमान अवस्था में आवर कंडीशन वी आर पुट इनटू सम लिमिट परिच्छिन्न भूमिका अर्थात कुंठ भूमिका। अब जो हमारा स्थिति है ये परिच्छिन्न भूमिका
Atat within certain limit all my sense organ mind can act, beyond that they cannot act. जैसे कि आंखों का एकदम सामने कोई किताब आना लिखनी, महाराज ये पढ़ के देखो, एकदम आंखों का लगवा, हम बोले अरे ऐसे कोई पढ़ा पढ़ा जाए, थोड़ा दूर हटाओ, और दूर हटा दिया, बहुत दूर, अरे इतना दूर ले गया, हम पढ़े कैसे, इधर नजदीक आओ. दैट्स मीन आवर सेंस ऑर्गन माइंड इंटेलेक्ट कैन एक्ट विद इन सम एंड सर्टेन लिमिट, नॉट बियॉन्ड दैट. हमारा इंद्रिया मन बुद्धि ताकत जो कुछ भी है एक लिमिट का अंदर काम कर सकते, इसका बाहर जाए तो ये कर नहीं सकता, संभव नहीं है. तो संत महात्मा का मुखारविंद से अनर्गल हरिकथा सुनते सुनते उसका आचार आदर्श आचरण खान पीन उठना बैठना रामानुजाचार्य जी बोला है, अगर आप अपना करैक्टर स्वभाव चरित्र को बदलने में असमर्थ है तो एक काम करो, एक पक्का साधु के पास जाकर बैठो. क्या होगा, बैठने से हो जाएगा. वो क्या कर रहा है देखना, उसका उठना बैठना सोना देखने से आपका अंदर में असर पड़ेगा, आप अपने को परिवर्तन कर सकोगे, वेरी इजीली कर जाओगे. वर्तमान हम लोगों का जो ताकत है, पैसा का था, चाहे पैसा का था, लोक बल ऑर्थो बल कुछ एजुकेशन विद्या बल जो कुछ भी है, अंडर सर्टेन लिमिट परिच्छिन्न भूमिका, हम लोग देवी धाम में ये जो जहां हम लोग विराजमान हैं, जहां हम लोग वर्तमान अवस्था में विराजमान हैं, इट्स कॉल्ड देवी धाम, इसका नाम है देवी धाम. देवी धाम में कुछ आशा नहीं कर सकोगे, बहुत मुश्किल. ये देवी धाम में यहाँ हर रिलेशनशिप हर वस्तु हर व्यक्ति का अंदर में कमी है, दे आर नॉट कंप्लीट. इस जगत में कोई भी वस्तु बोलो, कोई भी व्यक्ति बोलो, कुछ भी बोलो, सब लिमिटेड पावर युक्त, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण. चाहे बड़ा बुद्धिमान है ठीक है, फिर भी विद इन सर्टन लिमिट, इसका बाहर नहीं है. ये कुंठा जगत है, इसमें पूर्णता नहीं है, इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता. अपूर्ण वस्तु में अपूर्ण वस्तु लेकर अगर हम संतुष्ट रहे तो मेरा मापिक गाधा बोका कोई नहीं है. अपूर्ण वस्तु के लेके मैं बड़ा अच्छा हूँ, बड़ा तो अच्छा है बोल सोचता है, लेकिन वैकुंठ जगत का अवस्था ऐसा नहीं है. हम जो जिस जगह हम लोग विराजमान है ये पृथ्वी में जिस जगह हम लोग विराजमान है इसका नाम है देवी धाम. ब्रह्म संगीता में इसका ऑर्डर मैंने कौन धाम कहाँ है, और बृहद भगवतामृत में ग्रेजुअली हम लोग चर्चा कर रहे हैं कैसे धीरे धीरे ऊपर जाता है. ऊपर जाके भी फायदा नहीं है, ब्रह्मलोक जाके अगर आप चिपक जाओगे फायदा नहीं, ब्रह्मलोक को पेनिट्रेट करके जाना पड़ेगा, फिर बिरजा पार करके फिर जाना पड़ेगा. इन पर्सनल ब्रह्म इफाल्जन, उसका बाद आप जाओगे जब महेश का धाम, उसका बाद ऊपर उठेगे वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम का और ऊपर गोलोक धाम वृंदावन, तदुपरी गोलोक धाम वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प विक्षे करे आरोहण लिखा हुआ है. तो हम लोग कुंठामय जगह, हेजिटेशन इज देयर, हमारा किसी का भी रिलेशन किसी का साथ कुंठा, हेजिटेशन का बाहर नहीं. चाहे पिता माता का रिश्ता, आपस में पिता माता का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, पिता पुत्र का और मैया और बच्चा का रिश्ता, जो कुछ भी है ये सब हेजिटेशन है, इसमें लिमिटेशन है, हेजिटेशन इनकम्प्लीट, इसमें कोई लाभ नहीं है. कुंठा मैं जो
हमने काल भी बताया था, जितना प्यार मोहब्बत है, जितना भी है एक्सट्रीम पॉइंट, जैसे लैला मजनू का, जैसे नौल दमयंती का, जैसे जिम डेला का, ये जो है, ये सब रिलेशनशिप जो है, ये सब इसका अंदर में हेजिटेशन है, विशुद्ध नहीं है, लिमिटेशन है, हेजिटेशन है, क्योंकि ये कुंठामय जगत। लेकिन अगर हम एक कुंठामय जगत को हरिनाम करते करते वैकुंठ जगत में प्रविष्ट हो जाए, नाम का आश्रय लिए बिना, नाम का आश्रय लिए बिना किसी ने इस जगत से वैकुंठ जगत में प्रविष्ट हो गया, ऐसा कोई एक भी साबूत हमारा शास्त्र में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये नाम हरिनाम का सहारा लिए बिना किसी ने वैकुंठ जगत में चला गया, ये कैसे हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। भगवान नाम का रूप में उतारते हैं, भगवान नाम का रूप, नाम का, भगवान नाम रूप में, नाम नाम का स्वरूप पे उदार होके उतारते हुए फिर हम लोग को उद्धार करके ले जाता है। बाकी और कोनो कोई रास्ता ही नहीं है। प्रभु होने का, मालिक होने का रास्ता अनुगत्यहीन अवस्था, ये कर्मकांड है, अनुगत्यहीन अवस्था। अगर हम गुरु जी का, वैष्णव का सामने इच्छा करके विनम्र भाव का अभिनय करे, एक्टिंग करे, अंदर में है गुरु जी फालतू है, गुरु जी का क्या कीमत है, लेकिन बाहर में हम दिखाए कि गुरु जी को सम्मान कर, इसी अवस्था में गुरु जी का कृपा प्राप्त होना बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि हमारा अंदर में डुप्लीसिटी है। हम प्रभु बनना चाहता, मालिक बनना, बड़ा बनना चाहता है, तो हम लोग वंचित हो जाएगा। शास्त्रों का वाणी, वैकुंठ वाणी हमारा सामने बेकार हो जाता, क्योंकि हम गौण नहीं कर पाते। शास्त्रों एकमात्र तो शरणागत व्यक्ति का पास ही प्रकाशित होता है, ऐसा अगर आप दिखा सकोगे मेरे को तो मैं एहसान मानूं। दिखाओ, एक दिखाओ कि शरणागत नहीं है, गुरु जी का कृपा कुछ नहीं है, कि शास्त्र बहुत जानता है, बहुत व्याख्या करता, ऐसा हो नहीं सकता। शास्त्रों का इनर मीनिंग, शास्त्रों का गहरा विचार उसी का सामने प्रकाशित होता है जो सदगुरु का पूर्ण कृपा प्राप्त तो हुआ है। यहां तक कि अपरागित जगत का कोई भी शब्द सुनने का जो योग्य क्वालिफिकेशन है ये भी नहीं आती दीक्षा हरिनाम के बिना। प्रभुपाद कहते थे जन्म जन्म हमारा जो कान है, हियरिंग ऑन, हमारा जो हियरिंग ऑर्गन है, ये जन्म जन्म प्राकृत जगत का बातें सुनते 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 मर गया, डेड बॉडी, पूरा बधिर बहरा हो गया। अब ये अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्म सुनाने के लिए धीरे धीरे बलते चलो, धीरे धीरे, और बाकी जाके ये जब शरणागत हो जाएगा गुरु सदगुरु के चरण में, तब इसका कानों में अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्म प्रविष्ट हो सकेगा, और ही कैन कैच एवरीथिंग, नॉट बिफोर दैट, ये हजम भी कर सके। सिर्फ सुनना बड़ा बात नहीं है, कौन कैसा इंटेंसिटी लेकर सुन रहा है, सुनना बहुत सारे आदमी सुनने के लिए आता है, सुनना बड़ा बात नहीं, सुने तो सुने, लेकिन सुनने के बाद याद रखे, अपना जिंदगी में अप्लाई करे, वो कहाँ है, वो तो नहीं है ना। जैसे गोकर्ण जी महाराज जी का सामने बहुत सारे आदमी बैठा हुआ था भागवत कथा सुनने के लिए, गोकर्ण जी महाराज जी का सामने गांव के गांव आदमी बैठा हुआ था, गोकर्ण जी महाराज भागवत कथा
किया था, दैट वॉज द थर्ड सेशन ऑफ भागवतम। फर्स्ट परीक्षित महाराज का सामने सुखदेव गोस्वामी, दैट वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ भागवतम। सेकेंड वॉज एट नैमिष क्षेत्र सुखदेव गोस्वामी सनकादि ऋषि का सामने, और थर्ड ये हमारा गोकर्ण जी महाराज धुंधुकारी का सामने, मतलब सब कोई का सामने बोला। लेकिन फायदा गोकर्ण जी दे पाए, मतलब ले पाए, लेने के लिए तो समर्थ चाहिए ना, धुंधुकारी का लेने का क्षमता हो, क्यों ही वॉज फीलिंग इट नेसरी। जब जिंदगी में हम समझ जाते हैं कि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, मेरा जीना मरने का सवाल है, तो आदमी ड्राउनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ। जब आप समझ जाओगे आप पानी में बहके जा रही हो माया का पानी में, तो आप पुकार आप तो अब आप पुकारोगे बचाओ बचाओ करके, अब पुकार नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, व्हाट यू नीड एक्चुअली और नॉट, कोई डिमांड नहीं है, तो कैसे डिमांड नहीं है, तो डिमांड नहीं तो सप्लाई भी नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का एक परिभाषा है, इकोनॉमिक्स का एक परिभाषा है, डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे का परिपूरक कंपनसरी। डिमांड नहीं है तो सप्लाई क्या काम का, सप्लाई नहीं है, सप्लाई अगर है डिमांड नहीं है तो कोई काम का नहीं। सप्लाई और डिमांड एक दूसरे का साथ हारमोनी है, चलता है। हमारा जिंदगी में भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्ति करने कोई इच्छा ही नहीं बचा है ही नहीं, तो हमारा भगवत प्राप्ति करने का ये तो सवाल ही नहीं है। जब इच्छा ही नहीं है तो सवाल कहां से आएगा। डिमांड एंड सप्लाई गोज टुगेदर, ये पक्का बात है। डिमांड नहीं है तो, और डिमांड में भी इफेक्टिव डिमांड होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में एक इफेक्टिव डिमांड बोल के एक चीज है और फॉल्स डिमांड। सो इफेक्टिव डिमांड क्या है और फॉल्स डिमांड क्या है। फॉल्स मतलब इकोनॉमिक्स में बोला जाता है जब आपका अंदर में डिमांड है किस चीज को प्राप्ति करने के लिए, आप खड़े हुए वो एक मिठाई का दुकान के सामने, सपोज करो आप मिठाई का दुकान के सामने खड़े हुए हो, आपका बहुत लोभ लग रहा है, ये सब मिठाई खाए एक एक करके खाओ, खूब खाओ है, लेकिन आपका पास पैसा नहीं। आई बात समझ में, आपका इच्छा हो रही है कि सारी मिठाई को खाए लेकिन पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं होने से क्या मिठाई वाले दुकान वाले के आपको मिठाई देगा क्या, नहीं देगा ना, कैसे देगा, पैसा नहीं है। तो इसका नाम है डिमांड इज देयर बट डिमांड इफेक्टिव डिमांड नहीं है। आपका पास डिमांड जरूर है लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इफेक्टिव तब होता है जब फाइनेंशियल पावर होता है और डिमांड भी है, मतलब ये डिमांड पूर्ति कराने के लिए जो व्यवस्था वो हो पाते हैं। आई बात समझ में, तो इफेक्टिव डिमांड कब माना जाएगा। आपको एक बिल्डिंग खरीदने की, जमीन खरीदने के लिए इच्छा हो रही लेकिन आपके पास पैसा भी है, तो आप ये जमीन पैसा है आप ले सकते, आप जमीन दिया नहीं दिया आपका लाख में नहीं है वो बात की बात है, लेकिन कुछ चीज खरीदने के लिए पैसा आपके पास है और डिमांड भी है, इसका नाम है इफेक्टिव डिमांड। जब इफेक्टिव डिमांड किसका जिंदगी में है नहीं, तो ये प्राप्ति करने का कोई सवाल ही नहीं है। अः भगवान के लिए किसी का दिल में कोई डिमांड है नहीं ना, तो क्या करे, तो जैसे चल रहा है चल रहा है। शास्त्र में ऐसा विधान है, शास्त्रों में यहां तक विधान है, अब आजकल का आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है, आजकल का कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। शास्त्र में यहां तक लिखा है जब तक कर्णभेद संस्कार अर्थात उसका कानों में
गायत्री मंत्र आदि भगवान का नाम ना जाए तब तक ये इसको ये जो अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्म सुनने का कोई योग्यता नहीं होता। जब तक इसका कर्णभेद, कर्णभेद संस्कार का मतलब कानों में अनंत काल से जे सुनते सुनते बहरा बन गया मेटेरियल साउंड, इसको सारे हटाए, हटा के ये ओरल रिसेप्शन पावर को बढ़ाए, कान को सुनने का जो हिम्मत है ये बढ़ाओ, ये गुरु कृपा में होता है। तो यहाँ तक लिखा है शास्त्रों में वेद पुराण आदि बच्चा का पढ़ने का अधिकार तब होगी, तब होता है जब वो गुरु चरण में मतलब कम से कम गायत्री आदि सुनकर जब करे, गुरु चरण का हरिनाम सुने, इसका नाम है कर्णभेद, तब इसका हरिनाम हरिकथा संग सुनने का योग्यता क्वालिफिकेशन आ सकता है। जब ऐसा नियम है तब हम विचार करके देखें कहां तक का विचार है। इसीलिए श्रुति शास्त्र में लिखा हुआ है जोशो देवे पराभक्तिर जथा देवे तथा गुरु। पहले किसका सामने हमने अभी बताया, जिनका गुरु चरण में दिखा, गुरु चरण से दिखा हुआ है, गुरु का साथ बहुत संबंध पक्का हो गया। जोशो देवे पराभक्तिर, जिसका गुरु चरण में बड़ा भक्ति भक्ति भक्तिमान है, जोशो देवे पराभक्तिर जथा देवे तथा गुरु। जैसे भगवान में भक्ति है ऐसा ही भक्ति गुरु में, गुरु चरण में है एक जैसा, और अगर ज्यादा रहे गुरु चरण में और अच्छा है, अगर गुरु चरण में थोड़ा ज्यादा है भगवान और भी अच्छा है। राधा राधा रानी के चरण में अगर ज्यादा है कृष्ण से वो अच्छा है, क्या खराबी है, और दोनों में समान है तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। जोशो देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्वित कथिता ही अर्था प्रकाशंत महात्मनः। इन्हीं का सामने शास्त्रों का गहरा विचार ठहरेगा, वो समझ पाएगा। गुरु जी का कृपा से, वैष्णव का कृपा से, वो ही उसी का दिल में शास्त्रों का जो गहरा विचार ये ठहरेगा, बाकी किसी का सामने ठहरने का पॉसिबिलिटी नहीं। मे बी ही इज वन प्रोफेसर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वो भाषण देता है, भाषण देने दो, उसमें क्या आता जाता है, ये मुखस्त किया, शास्त्रों का गहरा विचार समझा नहीं, समझा नहीं ना। एक कहानी याद आ गया कि हरिनाम और हरिनाम का साथ जोड़ा हुआ वेदांतो भागवत आदि कितना कीमत है, जो अपना मैन पावर मनी पावर एजुकेशनल पावर विद्या बल लोक बल है मन बल सबका बल बल का आधार पर नहीं मिलना। एक दफे एक जगह वेदांतों का कोई सभा चल रहा था, सभा में बहुत सारे आदमी मौजूद है, बहुत सारे आदमी मौजूद है, सब वेदांतों का गहरा विचार सुनने के लिए आए हैं। अब ये जो मंच है, मंच में बैठा हुआ बहुत सारे संत महात्मा है वेदांती, सब अपना अपना तरफ से वेदांतों को व्याख्या कर रहा है, एक एक श्लोक का सुंदर व्याख्या कर रहा है, सुंदर मतलब ये लोगों का हिसाब से, हम तो देखने नहीं गया। उसके बाद एक संत महात्मा जो मंदिर का दायित्व है जिसका ऊपर, ये संत महात्मा को बताया गया, सारे पंडित लोगों ने बोला महाराज आपने अनुष्ठान का आयोजन किया, आपने हम लोगों को बुलाया है इधर चर्चा करने के लिए, वेदांत बड़ा एहसान मान रहे हैं हम लोग, बड़ा कितना आदमी आए हैं, लेकिन आपका मुखारविंद से थोड़ा वेदांत तो सुनना था। महाराज हम क्या जाने, हम तो वेदांत तो जाने नहीं ना, हम कैसे बताए, आप कुछ भी बताओ जो गुरु जी से सुना, आपका गुरु जी तो बड़ा वेदांतों का मान, तो कुछ भी तो सुना होगा, आप वो बताओ, आप थोड़ा सुनना चाहते हैं आप लोग। जब ये मूर्ख है
समाज का विचार है, ये मूर्ख है महाराज, मूर्ख विचार है। पंडित लोग क्या बोलेगा, ये इसका पास कुछ है, विद्या नहीं है, कुछ नहीं है, मूर्ख फिर भी सम्मान है, बोलो महाराज आप कुछ बोलो। जब वो वेदांत तो बोलने के लिए खड़ा हो गया, हैरान की बात है, जो वंदना गुरुजी का चरण का वंदना करके वेदांतों का व्याख्या करना शुरू कर दिया, ये पंडित समाज पागल बन गया, पागल हो गया। सुनते रहे, एक कैसे संभव है, ये बोला ये पढ़ाई लिखाई ज्यादा जानता नहीं, वो जो ऐसा व्याख्या कर रहे हैं हम लोग सुना ही नहीं, तो मतलब वेदांतों का कीपा मिला है इसको, वेदांतों का कीपा मिला है। हरिनाम का कीपा मिलने से हरिनाम हो सकता है, अगर हरिनाम नहीं निकल रहा है, इतना प्रवचन इतना हमने किया है सेवा, उसका बाद भी मेरा जवान पे हरिनाम नहीं आ रहा है, तो इसका माने क्या है, बोले लोग जो कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, इसमें ये सिद्धांत तो पक्का है, ताते जानी अपराध अक्षय प्रचुर। अगर ऐसा हो कि मैंने जिंदगी बहुत सेवा कर लिया, बहुत कर लिया महाराज, बहुत सुन लिया बोल लिया, लेकिन हरिनाम मेरा जवान पे नहीं आ रहा है, पक्का हरिनाम, इसका मतलब है ताते जानी अपराध अक्षय प्रचुर, इसका मतलब है हमारा दिल में अपराध छुपा हुआ है। हरिनाम के चरण में वैष्णव नाम धाम सब छुपा हुआ है। अब वेदांत तो भागवत तो ऐसा कोई बात नहीं कि हम बड़ा पंडित है हम व्याख्या कर सके, ऐसा नहीं है, ये स्वयं प्रभुपाद जी ने व्याख्या किया, गौर किशोर बाबा जी महाराज ने भी यही बात बोला। भागवत जो है वो भागवत समझिए, जो स्वयं भागवत है ग्रंथ भागवत को वो समझ पाएगा, जो स्वयं भक्त भागवत है वही उसका समझ पाएगा, बाकी कैसे समझेगा, जिसका पर कृपा बना है वही समझेगा। तो वेदांत का ऐसा व्याख्या सुनने के बाद हैरान हो गया, सभा डिसॉल्व, सभा खत्म होने के बाद हाथ जोड़ करके पंडित लोग ने बताया महाराज आपने बोला आपका वेदांत का कोई ज्ञान नहीं है कुछ नहीं है, तो ऐसा कैसे आप बताया, गहरा विचार, ये तो इम्पॉसिबल संभव नहीं है। अच्छा ये बताओ आप कैसे नॉलेज को ये जो आपका वेदांतों का ज्ञान है, ये तो लगता है एक तो सार, एक तो अनुभव की बात है, ये कोई लेक्चर की बातें नहीं है, जो आपने कही है कहा है ना, ये लेक्चर की बात नहीं है, अनुभव की बात, कैसे आपने प्राप्त किया। तो ये सन्यासी ने हाथ जोड़ करके विनती करके उन लोगों को बताया, आप अगर बुरा ना माने तो एक बात कहें, बल हाँ बताओ आप बुरा तो नहीं मानेंगे, नहीं नहीं बुरा नहीं मानेंगे, क्यों मानेंगे बोलो सच्चा बताओ। बोले महाराज आप ये बताओ, वेदांतों का किताब छों के ये बताओ आपका जिंदगी का मकसद क्या था, वेदांतों सीखने का पहले आपका मकसद क्या था। तो सारे बोल उठे क्यों वेदांती बनेगा बड़ा, हम आप बड़ा वेदांती बन जाएगा। हाँ महाराज आपका टारगेट था जिंदगी का, या आप बड़ा वेदांती बनोगे, लब कुछ वेदांत को व्याख्या करोगे, लेकिन मेरा जिंदगी में ऐसा कोई मकसद नहीं था, हमने पहले से हमको मालूम है मैं मूर्ख हूँ, मैं थोड़ी वेदांतों का चर्चा कर सकूँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताए ये प्रभु प्रकाशानंद के सामने, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिलो शासन, तुम्ही मूर्ख तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार, महाप्रभु जी ने खुद बताया, जो गुरु मेरे को मूर्ख देख के ऐसा दिखावा, ये तो हमको सिखाने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे, गुरु हमको मूर्ख देखा और देख के बोला तुम्हारा वेदांत नहीं अधिकार, तुम्हें नाम संकेत क्यों, इन लोगों का अहंकार जो है इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि वेदांत ज्ञान तो इन लोगों के पास है नहीं, ये सोचते हैं कि मैं बड़ा वेदांती हूं, कि वेदांत तो कुछ नहीं जानता। जब वेदांतों का कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो वेदांतों को खबर पड़ता है वेदांत तो क्या चीज है, भागवत जी महाप्राण का कृपा जिसका ऊपर हो जाए वो समझ पाते, बाकी आदमी समझ नहीं पाते ना। तो इन्होंने हैरान हो गया सुनने, सच्चा बात है,
हम लोग का जिंदगी का मकसद था बड़े वेदांती बनेंगे, समाज में वेदांत का व्याख्या करेंगे, लेकिन ये बेचारा ये मूर्ख है, अपने को सोचता है कि मूर्ख हूँ मैं, कहाँ वेदांत पढ़ूँ। जो गुरु जी से सुना है उसको अनुभव करने का चेष्टा की जिंदगी में सेवा के द्वारा, तो आज उसका जवान पे ऐसा अनुभव की बातें आया है, आया है, समझ गया। बहुत सारे बातें हैं ऐसे। एक वाराणसी बेनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर वेदांती है, बड़ा प्रोफेसर है, और दोपहर का टाइम में अपना घर में जाके, घर का क्वार्टर सामने ही है, जाके प्रसाद खाना खा के आ जाते। रोज ये नियम है, रोजाना वो आप घर में आए प्रसाद पाने के लिए, बीवी ने दे दिया रोटी सब्जी सब कुछ दे दिया, धर दिया सामने, वो खाना शुरू कर दिया, खाने का साथ गया, थू 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 थू, ये क्या किया है? बोले क्या हो गया? बोले नमक नहीं डाला है सब्जी में, ये भी कोई खाया जाए? गाली देना शुरू कर दिया। पत्नी बोले देखो क्षमा करे तो क्या करे, भूल गया आज, रोज ही तो नमक डालती हूँ, आज किसे कैसे कैसे भूल गया, कैसे कैसे भूल रह गया मालूम नहीं है, क्षमा कर दे। अब ठीक है, अलग से आप नमक दे दे, आप मिला के खा लो। तो ये वेदांती प्रोफेसर गाली देना शुरू किया, अलग से मिलाने से, अलग से मिलाने से कभी स्वाद होता है क्या? अलग से मिलाओ, फालतू बात कर रही हो। तो पत्नी ने अचानक पत्नी का मुख से निकल गई, क्या जो इतना साल तक वेदांतो पाठ और पढ़ा रहे हैं, वो वेदांतों में कोई स्वाद नहीं मिला, सब्जी में साज स्वाद आस्वादन ढूंढ रहा है। बस यही बात बोली और ज्यादा नहीं। जिन्होंने इतना साल से वेदांतो पाठ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसको जिंदगी में वेदांतों का आस्वादन नहीं मिला, वो सब्जी में आस्वादन ढूंढ रहा है, हैरान की बात है। सुनने का बाद प्रोफेसर पागल हो गया, बोले मैं इतना बड़ा प्रोफेसर हूं और आज मेरा पत्नी मेरे को इतना शिक्षा दे दी कि मेरे को शर्मिंदा होना पड़ेगा जिंदगी भर। बाकी ऐसा ही विचार है, भागवत का बारे में भी है ऐसा, लेकिन बताने का समय भी चाहिए। समय कम, हरिनाम जब भागवत का रूप में, स्वयं भगवान कृष्ण भागवत का रूप में आए, मतलब भगवान नाम भागवत कृष्ण सब एक है, इसीलिए कोई अगर प्रश्न उठाए जे परीक्षित महाराज ने कौन सी दीक्षा ले लिया, कहाँ से हरिनाम दीक्षा लिया क्या, तो उसका सिद्धि कैसे हो गया? इसका उत्तर ये है, परीक्षित महाराज का पहला जो स्वभाव है, विनम्र भाव है, इन्होंने शरणागत हुआ, ऐसे तो महाभगवत है ही है, और शरण लिया क्यों, वो जन चुका था कि 7 दिनों का अंदर में मेरा मत इनेविटेबल, इसीलिए ये तैयार बैठा था। ठीक है चलो आगे भगवत सुनने बैठा, तो सुखदेव गोस्वामी का पास भागवत जी महापुराण सुनने का साथ साथ इसका जो चरम एब्सोल्यूट मंगल हो गया, वो कैसे सिद्धि मतलब भक्ति सिद्धि, पहले स्वरूप सिद्धि हुआ, उसके बाद वस्तु सिद्धि तो हो गया। इसका कारण हमने बताया, देखो प्रभुपाद कह रहे, मेरा कहने से कुछ नहीं होता, प्रभुपाद बोला क्या, परीक्षित महाराज ने जो भागवत कथा सुना है, क्या परीक्षित महाराज के अंदर में दीक्षा का कुछ कमी है? समझा नहीं बात को, खुलासा करके बताओ आप। मतलब भोपाल का कहना है कि आम आदमी का कहना है कि हम दीक्षा लिया है, फलाना किया है, हम भजन कर रहे हैं, आज जो परीक्षित महाराज ने जन्म का पहले
गर्भ में भगवान का दर्शन किए हैं, जिसका जन्म कुंडली विचार करके बताया गया ये महाभागवत है। ये क्या भागवत जी महापुराण सुनने का साथ क्या इसका जिंदगी में संबंध अविधि प्रयोजन कहन का परिस्फुटन नहीं हो पाई क्या? प्रभुपाद जी ने बोला बताओ इसको दिखा किसको बोलता है। जब किसी ने प्रभुपाद जी को ये प्रश्न किया तो प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा बताओ कि जिसका दिखा किसका नाम है, बताओ दिखा किसका नाम है। दिव्य ज्ञान जतो दद्यात कुरियात पापस्य संशयम, यही तो दीक्षा है। तो आपका जीवन में क्या दीक्षा, आपका आपका जिंदगी में जो दीक्षा हो गया है, आप जो अहंकार कर रहे हो क्या दिखाओ साबित करो। आपका दिव्य ज्ञान हुआ है तो कर नहीं पाओगे, तो दिखा आपका बेकार। और परीक्षित महाराज के जिंदगी में दीक्षा भागवत कथा सुनने का साथ साथ इसका तो ऐसे ही कमी नहीं था, संबंध ऐसा और भी हो गया। क्या भागवत कथा सुनने का साथ अगर दीक्षा हो गया, क्योंकि भागवत जी महापुराण साक्षात कृष्ण है और कृष्ण कृष्ण नाम का समान है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि काल से हरिनाम करना छोड़ दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं विचार साक्षात कृष्ण एवही भागवत जी महापुराण में भागवत जी महापुराण के बारे में बताया गया साक्षात कृष्ण एवही, कृष्ण ही कृष्ण परिवर्तित कृष्ण शब्द ब्रह्म के रूप में आया हुआ है। और अब नाम रूपे कलिकाल में अवतार हुआ है भगवान, नाम रूप कलिकाल में नाम रूपे अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व जदक्षरम निवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया यतो प्रक्रिया यतो। ये सब श्लोक सुनने से विचार आपको बैठेगा हृदय में। तो भागवत कथा सुनने का साथ साथ ये तो जन्म कुंडली में लिखा हुआ है माँ भागवत, या सुखदेव गोस्वामी जैसा ऐसा महान वैष्णवों का परमहंस वैष्णवों का मुखारविंद भागवत कथा सुनने का बावजूद अगर संबंध का नहीं है आप सोचते हो तो ठीक नहीं है। संबंध विद्या प्रयोजन का नहीं तो दीक्षा है भागवत कथा सुनने के साथ। इतना सुना इतना गहर से सुना, ध्यान से सुना कि गुरुदेव जाने का बाद थोड़ी सी समय बचे थे हैं, उस समय में बृहद भागवतामृत बताया माता उत्तरा जी को। तो भागवत जी महापुराण का कीपा किसका ऊपर हो गया तो ये क्या वैष्णव नहीं है, ये भागवत का अर्थ नहीं जान सकता, तो फिर कैसे प्रभुपाद जी ने बताया गौर किशोर बाबा जी महाराज के बारे में। अरे बाहरी आदमी बोलता है, बाबा जी महाराज का कोई शिक्षा नहीं है, एडुकेशन बाबा, ऐसे हैरान की बात है कैसे ऐसा श्लोक का व्याख्या कर दिया। बाद में प्रभुपाद उत्तर दिया, जिसका दिल में भगवान स्वयं बैठा हुआ है, जिसका दिल में स्वयं भगवान बैठा हुआ है क्या उसका कोई व्याख्या का कमी हो सकता है, क्या कमेंट्री कमी हो सकता है? जो उसका जिसका दिल में भगवान स्वयं बैठा हुआ है उसका कोई व्याख्या का कमी रह जाएगा, नहीं रह जाएगा ना, महाभागवत है। एक राजा है, एक जमींदार मैंने आज पहले के जमाने में हमारे जैसे कृष्णनगर में राजा कृष्णचंद्र महाराज, ये किसी का अधीन है कृष्णचंद्र राजा, इसका टैक्स खजाना एक खजाना भरते थे मुसलमान राजा, ये भी राजा बना दिया उसको। तो ये जो ऐसा माफी कोई राजा, इसका सामने कोई पंडित आया, वो वाराणसी से वेद वेदांत उपनिषद सब भागवत सब पढ़ के आया है। इन्होंने राजा मसाई को बोला, राजा जी आप तो धार्मिक हो, आप थोड़ा भागवत सुन लो। कहाँ सुने भागवत, हम पढ़ के आया है वाराणसी से, हम भागवत सुनाएंगे। राजा जी ने बोला अभी तो आपका ऊपर भागवत का कृपा ही नहीं भाई, आप कैसे सुनो, क्या कह दिया आपने, मैंने पढ़ के आया है, मैं पंडित हूँ, परीक्षा दे के पास भी किया है,
राजा ने एक ही बात बोला, महाराज अब बूढ़ा महात्मा ने आपका ऊपर भगवत का कृपा नहीं हुआ, आप कैसे सुनाओगे मेरे को। वो गुस्सा में आकर एकदम बहुत लाल हो गया। अरे फिर गया, फिर जाके और से भागवत जी महापुराण और पाठ किया, सुंदर टिप्पा टिप्पणी सब। उसके बाद फिर राजा के पास गया, राजा को बोला राजा जी आप भगवत को ध्यान से एकदम भगवत लगा के आया हूं मैं, बहुत सुंदर अब व्याख्या कर सके आपको पास, कोई बात नहीं अब सुनो। राजा बोले आज भी आपका ऊपर भगवत जी का महान पर महापुराण का कृपा नहीं हो पाई। अरे कैसे बातें कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ भगवत फिर लगा के आ रहा हूँ मैं, हो गया आप पूछो कोई क्वेश्चन पूछो। बोले महाराज क्वेश्चन का ये सवाल ही नहीं है, आपका ऊपर भगवत का कृपा ही नहीं बनी आज तक। तो दुखी होकर ये तो बेचारा पैसा कमाने के लिए गया था राजा के सामने, ये थोड़ी प्रभुपाद का माफिक भागवत बताए कोई सुने ना सुने, हम तो सुने, परम शुद्ध वैष्णव जो है कितना आदमी सुने ना सुने परवाह नहीं करते, सुने भगवान को सुनाए, भगवान को सुनाए ना। ये परमांशु गुरु वैष्णव को देख के हम लोगों का अंदर में भी ये विचार बना, सूर्य कुंड में 8 घंटा 6 घंटा 8 घंटा भगवान को सुनाते थे, कोई नहीं है पागल का माफिक। ये देख के सीखा है हम लोग, शुद्ध गुरु विष्णु को देख के सीखा है, ये कोई हमारा कोई ताकत नहीं है कि ऐसे ही सूर्य कुंड में सुनाते थे ठाकुर जी, कोई नहीं। अगर सांझ का टाइम में भगवत कथा बोलने बैठा सूर्य नारायण भगवान के सामने, 1-2-4 ब्रजवासी आते थे उसको समझ, क्या बोला महाराज क्या बोला क्या, इसको समझ में नहीं आता सिद्धांत, तो क्या गप बोलो तो ठीक है, ऐसा ही है। तो ये जो है, ये जो पंडित वो दुखी होके घर से निकल गया और वाराणसी चला गया, जाके एकांत में दुखी होके गंगा में ना और एकांत होके माधुकुरी करके थोड़ा भोजन कर लिया करते थे। अब भगवान जी का हमको इतना अपमान मिला, भगवान जी महापुराण हमने सुना है आप स्वयं भगवान, तो ठीक है हमारा कृपा नहीं हुआ तो कैसे ऐसे हो सकता, ठीक है वो अलग से गया एकांत में बैठकर भगवत जी महापुराण पाठ कर रहे हैं। अब कोई लोभ लालची कुछ नहीं है, किसी का लिए नहीं पाठ कर रहे हैं, पैसा का लिए नहीं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा कुछ नहीं है, सिर्फ भगवत जी महापुराण का कृपा प्राप्ति करने के लिए पाठ कर रहे हैं और रो रहे हैं, रोना भी आ गया। जब अनर्थ चला जाता है हरिनाम में रोना आता है, अनर्थ रहने से रोना नहीं आए, इस समय अनर्थ भग गया। भगवत पढ़ते पढ़ते पेमा पुमार्थ महानो ये बात साबित हो गया, आंसू आने लगे आंखों में, भागवत पाठ करते करते भगवत का आलिंगन करे और वहां वो राजा इसको ढूंढते ढूंढते पागल हो गया। और पंडित कहाँ गया, पंडित कहाँ चला गया कोई पता नहीं। अच्छा मेरा कहने से दुखी हो गया होगा, मेरा कहने से दुखी हो गया होगा, हाय राम रे, अरे कहाँ इसको ढूंढो, सब लोग लगा दिया यहाँ वहाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। बाद में कोई खबर लेकर आया है महाराज हम वाराणसी में गया, वहाँ देखा एक मंदिर में बैठकर एकांत में पाठ कर रहा है। अच्छा मेरे को ले चल। तो राजा अभी अपना भेष बदल कर फिर वो जगह गया, पंडित जी को प्रणाम किया, स्वादर प्रणाम किया और पंडित जी घबरा गया, देखिए आप यहाँ, बोला हाँ आप आया हूँ आपका पास भागवत सुनने, आप तो बोले मेरे ऊपर कृपा नहीं हुआ, हाँ अब आपका ऊपर भगवत जी महापुराण का कृपा हो गया, अब आप और हम सुनेंगे, किसी का परवाह नहीं, आप पाठ करो अब हम सुनेंगे। तो देखो क्या बात है, गंभीर विषय है। अजामिल का कानों में भगवत कथा भगवान नाम ये क्या है बोलो, इसका असर क्या पड़ा, असली
जब अजामिल ने अपने को एक भयंकर सिचुएशन में आविष्कार किया, महसूस किया कि मेरा और कोई सहारा है नहीं, इस समय इनके जिंदगी में क्या हालत पहुंचा, बोले अपना बच्चा का नाम नारायण रखा था, नारायण, और इसीलिए मरने का समय में डर के मारे नारायण बोल के पुकार लिया, नारायण बोल के पुकारा, और जब पुकारा और नामाभास से इसका मुक्ति हो गया था, विषय मुक्ति हो गया था। इसका भी थोड़ा गहरा विचार है, हम बताएंगे दो एक दिन में। तो जोशो देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसका गुरु चरण में जितना भक्ति है उतना ही भक्ति भगवान का चरण में, भगवान का चरण में जितना भक्ति उतना ही गुरु चरण में, और इससे बढ़ के हो तो और अच्छा है। इन्हीं के सामने शास्त्रों का बहरा, शास्त्रों का गहरा विचार, तस्यैते ही तस्यैते कथिता ही अर्था, तस्यैते तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः, इन्हीं के सामने शास्त्रों का गहरा विचार प्रकाश हो जाते हैं, सभी का सामने नहीं, चाहे चाहे बड़ा पढ़ाई लिखाई किया कुछ नहीं होने वाला। जोशो देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्था, इन्हीं के सामने ही शास्त्रों का गहरा विचार प्रकाशित हो जाता है, हर कोई का सामने नहीं है। भगवान में जिसका अचला भक्ति उतना ही गुरुदेव में भी है, श्रुति शिति वेदांतो भागवत सब इनके अर्थ जो है मर्मो अर्थात जिस्ट, इसका इनर मीनिंग इन्हीं के सामने प्रकाशित होता है। इसीलिए महाप्रभु जी ने तीसरा श्लोक में बताया, अगर आप हरिनाम करना चाहते हो, हरि कथा बोलना चाहते हो, माने चाहते हो मतलब हरि कथा आपका ऊपर कृपा करे, हरि कथा हरि नाम आपका, तो आपको त्रिनादुपी होना पड़ेगा। जब त्रिनादुपी हो जाओगे अपने आप भगवान का कृपा अपना ऊपर बरसेगा। त्रिनादुपी सुनि चेनो तररिबो वा तररोपी सही सुना अमानिना मानदिनो कीर्तनियो सदा, यही है योग्यता है, एफिशिएंसी और कुछ नहीं, मैंने बड़ा पढ़ाई लिखा किया कुछ नहीं, इतना ही एफिशिएंसी चाहिए। क्या है बोले अमानी अमानी ना मानो दिनों कीर्तनियों से, दूसरे को मान सम्मान देने का विचार, अपना तरफ से कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा पाने का कोई इच्छा नहीं होना, दूसरे को सम्मान देना अमानी मानो दिन कीर्तनियों सदा हो, हरिनाम कीर्तन हो ऐसा स्थिति में कीर्तनियों, कीर्तनियों मैंने करना चाहिए, कीर्तनियों ए पालनियों, ए पालन करना, पालनियों मतलब पालन करना चाहिए, पालनियों मतलब कि पालनियों मतलब पालन करना चाहिए, पालनियों पालन करना चाहिए। तो ये कंडीशन है हरिनाम करने के लिए। प्रभुपाद कह रहे हैं जिस समय त्रिनादुपी सुनिच भाव हमारा जिंदगी में प्रकट हो जाए, उसी समय हरि कीर्तन हरि नाम हरि कीर्तन हो सकता है। थोड़ा सा हम थोड़ा सा ज्यादा सा भी अनजाने, थोड़ा सा भी ज्यादा सा भी अनजाने में भी अगर हमारा मन में एक थोड़ा सा इच्छा पैदा हुई, थोड़ा सा प्रतिष्ठा तो हमको भी होनी चाहिए ना। प्रभुपाद कह रहे हैं थोड़ा सा भी कोई ऊंचा बनना चाहे उसका जिंदगी में त्रिनादुपी सुनिज भाव वैनिश हो जाएगा और हरि कीर्तन भी वैनिश हो जाएगा, हरि कथा हरि कीर्तन वैनिश हो जाएगा, ये रहेगा नहीं। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया, प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया कैसा, बोले ध्यान देना
पापा जी ने एक उदाहरण दिया। पापा जी ने बोला एक बात पर ध्यान देना, जमीन पे जो मैदान पे जो घास है ना, जमीन पे जो घास है, जितना छागल है घोड़ा है सब खा लेता है ना, घास अगर बड़ा है, हाँ घास बड़ा है, लेकिन हमने फुटबॉल मैदान में जाते थे उस जमाने में जाते थे, मोहन बागान ईस्ट बंगाल, हमको पास मिलता था, मामा जी पास देते थे, हम जाते थे खेला, बड़ा खेलने का शौक, वहाँ जाते थे बचपन में, वहाँ जाके खेला देखते थे। एक चीज़ हमने देखा, इन लोग का जो ग्रास ग्रास है इतना छटा हुआ है, इतना लेवल है, लगता है कि डिज़ाइन है। अरे ऐसे कैसे संभव, वो लोगों का बहुत कीमती रोलर है, रोलर से रोलिंग करे और काटर से काटे, जैसे ईडन गार्डन का क्रिकेट मैदान का मैदान, हमारा फुटबॉल मैदान का सब इतना ही बड़ा कीमती है, विदेश का तो और कहना ही नहीं है। ये लोग इतना लेवल तक छांटते हैं घास को कि पता नहीं चलेगा। पापा जी ने यह उदाहरण दिया, अगर आप तिनका का मापिक थोड़ा ऊंचा हो तो आपका छागल भेड़े ने खा लेगा, और खा लेगा ना, जरूर खा लेगा, ओका थोड़ा बहुत ऊंचा है खा लेगा, घोड़े खाएगा, गाधा हैं सब खा लेगा। अगर आपने तिनका से भी नीचा हो गया तो क्या खा पाएगा, अरे पकड़ ही नहीं पाएगा तो कैसे खाएगा। कभी कभी बाल को हमने देखा, बहुत सारे आदमी ऐसा है हमारा वैष्णव समाज में, वो लोग बाल को सेव नहीं कर रहा, वो लोग क्या करता है, वो एक मशीन मिलता है बाहर में, क्या हमको जानकारी नहीं है, उन्होंने मशीन को चला दे तो एक इतना छोटा बन जाता है कि मानो कि वो सेव कर लिया। हमने बोला ये कि आप सेव किया, सेव तो नहीं किया लगता है। बोला महाराज हम क्या करें, अब वहाँ जाए कंटामिनेशन हो जाएगा, हम ये मशीन चला दिया, ये सेविंग नहीं है, ये मशीन चला दिया और बाल इतना नीचा हो गया कि आप नाखून से भी पकड़ना संभव नहीं। हमने मजा उड़ाया, अरे क्या ऐसे मशीन है, बोले हाँ ऐसे मशीन है, हमने चला दिया और इतना छोटी बन गया वो नाखून से भी पकड़ना संभव नहीं। तो अगर नाखून से भी, बचपन में जब पढ़ाई के लिए स्कूल जाते थे तो बहुत सारे लड़का है पढ़ाई करके नहीं आते थे, हम भी बीच में होते कभी कभी, खेल में फंस गया पढ़ाई नहीं किया होता, तो मास्टर जी पैसे क्या करते थे, एक एक ऐसा मास्टर है वो बाल को पकड़ते थे, एक बाल पकड़ के दो थप्पड़। तो इसीलिए कुछ बदमाश बच्चा है वो बाल को एकदम कमा के आते थे, बाल को ऐसा कमा के आते थे कि मास्टर जी कैसे पकड़े, पढ़ेंगे पकड़ना संभव नहीं है ऐसा करके। तो महाप्रभु ये जो हमारा पोपा जी ने बताया ये कितना सच्चा है, देखो पोपा जी ने बताया, देखो अगर तिनका का मापिक थोड़ा सा ऊंचा हो जाओ तो आके आपको छागल सब खा लेगा, तो इससे अच्छा तो है भजन करने के लिए आए हो तो तिनका से भी नीचे बन जाओ, इतना तो कोई नहीं पकड़ पाएगा, कोई खाएगा भी नहीं, तो ये आपका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अहंकार आपका हृदय को छुए कुछ गड़बड़ी हो जाए संभव नहीं है, क्योंकि जिसका हृदय में तृणादपि है वो इतना पावरफुल होता है। आप हैरान हो गया, आप मानते नहीं हो, आप सोचते हो कि जो तृणादपि नहीं है वो अहंकार है वो ताकतवर है, ना उल्टा है, उल्टा है, आपने उल्टा सुना, जो तृणादपि हो जाता है उसका अंदर में इतना पावर आता है, इतना पावर वो किसी को भी आ दमन कर सकता है, इतना इसका पावर होता है। बाहरी विचार में मछली मांस खाओ अभिमान दिखाओ वो ताकतवर नहीं, आप जानते नहीं हो तृणादपि भाव का कितना पावर है, तृणादपि भाव का, अब जब गाली दिए कोई शांत कर लिया सब,
ये इतना पावर है, इसको बताए बताना बहुत मुश्किल है, इतना गहरा विचार है, इतना गहरा विचार है। तो त्रिनादर की मतलब इसका अंदर में इतना पावर है कि जो त्रिनाद भी हैं, जो पक्का साधु है, आचरणशील, इनके सामने कोई अगर कपट महाराज आ जाए, आचार्य आ जाए, वो भयभीत हो जाता है, वो भयभीत हो जाता है, भयभीत हो जाता है, न जाने कब हमारा नंगापन प्रकाशित हो जाए। बहुत पावर है, क्यों? इसका आचरण का पार है, इसका लाभ पूजा प्रतिष्ठा से दूर रहने का जो विचार है, ये इसको पावर दे देता है, बहुत कीमती। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया, जिसका जिंदगी में जरा सा भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा का गंदगी तक नहीं है, वही है असली प्रचारक, वही उतना पावरफुल है, बाकी कोई नहीं है। जो श्लोक देके शुरुआत किया था उसमें हमने बताया था, जन्नामो धेयम म्रियमान आतुरः, जिनके जिस परात्पर अखिलेश्वर भगवान दयामय का नाम, जन्नाम धेयम म्रियमान आतुरः, आतुर है, मरने वाले हैं, आहा आतुर है, और गिर रहा है, पतन स्खलन अभिवशो गृणन, आई बात समझ में? एक याद हो गया कहानी, याद हो गया, ये हमारा संप्रदाय का बात नहीं है, फिर भी सुनने से कोई खराब नहीं है, खराब कुछ नहीं है। एक बड़ा महान्ती है, रामानंदी का रामानुज का पता नहीं है, वो हरिनाम देने के लिए तैयार नहीं है, बोले नीचा खानदान का है, इसको हम नहीं देंगे, हम देंगे नहीं। तो अब ये साधु ने तैयार अपने आप तैयार कर लिया, ये महाराज जी से ही, ये साधु से हमको हरिनाम लेना है, हम किसी से नहीं लेंगे। अब वो देगा नहीं, कहा करे, लड़ाई तो चलेगा नहीं, कोर्ट केस का बात नहीं है। उन्होंने क्या किया, महाराज जी जब नहाने के लिए जा रहे गंगा में, उन्होंने पतला वाला शरीर है, एक स्टेप का नीचे, सीढ़ी का झीना का नीचे चुपचाप सो गया। अब महाराज जी क्या किया, धीरे 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 आ रहे, आके उसका ऊपर पैर डाल दिया, पैर डालने के बाद अरे देखा कि आदमी है, हाय राम, राम बोल के चित्कार कर। तो ये विवश होके, ये जो अनजाने में राम बोल के चिल्लाया, जो हरिदास ठाकुर जी ने बताया, प्रभु आप चिंता मत करो, जो मुस्लिम व्यक्ति है वो तो हरिनाम करने वाला नहीं है, हरिनाम करने वाला नहीं है, तो फिर भी चिंता काहे का है, वो तो हराम तो जरूर बोलेगा ना, हराम बोलेगा तो हराम के द्वारा इसका मंगल हो जाएगा, क्यों, हाँ एक्सक्लेमेशन है, राम, राम जी का नाम, ठीक है नाम आवास हो जाएगा, नाम तो खैर नहीं है लेकिन नाम आवास तो जरूर है, नाम आवास हो जाएगा, तो नाम आवास हो जाएगा। अब वो जो साधु है जिनका बारे में अभी हम बताया, जो बाबा उसको नाम देने के तैयार नहीं, वो नीचा जात है, इन्होंने जब महाराज जी राम बोल के चिल्लाया, उन्होंने मान लिया कि महाराज जी का मुखारविंद से मैंने नाम प्राप्त हुआ, उसी नाम को जपते जपते वो सिद्धि प्राप्त हुआ। नाम का महिमा ऐसा है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया, जब से आपका नाम का ऊपर पूरा भरोसा हो जाए, जब आपका नाम का ऊपर पूरा विश्वास हो जाए, तब नाम आपका जिंदगी में स्वयं भगवान का रूप में आ सकता है। नाम करोगे, विश्वास हो गया, नाम करते करते आप, नाम आपका जिंदगी में बदलाव आ देगा, पूरा चिंतित, पूरा चेंज कर देगा, नाम रटते रहते नाम, जैसे हमने बताया था
रामायण कर रहे थे वाल्मीकि मुनि, पहले जो रत्नाकर दस्यु, बहुत सारे ऐसा वैद है, वैद जो बदमाश वैद है, निष्ठुर हार्टलेस वैद, इन्होंने नारद जी का कृपा से इनको जिंदगी में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया ना, पूरा परिवर्तन हो गया। तो नाम का महिमा अपार है। जब भक्तिमती ठाकुर जी ने बताया, अगर आपका जिंदगी में त्रिनाद विभाव हो गया, प्रतिष्ठा का बिल्कुल नहीं है, नाम का ऊपर पूरा विश्वास हो गया, तभी से आपका नाम पे अधिकार है। बहुत सारे आदमी ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं कि महाराज क्यों लिखा है ऐसा, तो हमको समझ में नहीं आता कैसे ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है। और लिखा है जो दीक्षा पुरस्चरण विधि अपेक्षा न करे, अरे दीक्षा पुरस्चरण विधि अपेक्षा न करे, क्यों ऐसा लिखा है महाराज? क्या दीक्षा पुरस् दीक्षा पे क्या दरकार नहीं है? क्या क्या दरकार नहीं है? हरिनाम होने से ही हो जाएगा। हम सुनो सुनो तो सही, गहरा विचार है। इस बारे में किताबें भी मैं लिखा था, भगवान का कृपा से भक्ति ठाकुर का एक विचार है। ये अभी क्या बोला, कब, अभी अभी दो मिनट पहले क्या बोला हमने? हमने बोला है जिस दिन नाम का ऊपर पूरा विश्वास हो जाए, पूरा, जो नाम और भगवान अभिन्न है, जब हमारा ये विश्वास होता है कि हमारा गुरुजी और भगवान अभिन्न है, तब से हमारा जवान पे हरिनाम नित्य होने लग जाएगा। मतलब क्या है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये है, जब हम प्रभुपाद का विचार है, जब हमारा 100% विश्वास है मेरे गुरुजी और भगवान अभिन्न, भगवान गुरुजी का रूप पकड़ के आया है, तब हमारा हरिनाम में अधिकार बनेगा। इसी को ही घुमा फिरा के भक्तिमती ठाकुर जी ने बताया, जब आपका जिंदगी में, क्योंकि जिसका गुरुजी में विश्वास है उसका नाम में नहीं आ सकता, एक ही बात है, एक ही बात है ना, इट इज मैथमेटिक्स, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी, दैट्स मीन ए मस्ट बी इक्वल टू डी, ये मैथमेटिक्स का माप, ये है, इसका नाम है कैमुत्तिक न्याय, कैमुत्तिक न्याय, इसका नाम है कैमुत्तिक न्याय। मतलब ये अगर हुआ तो ये तो जरूर होगा ही, ऐसा ही है। तो फिर भक्तिमती ठाकुर का कहना है, जिसका जिंदगी में हरिनाम के ऊपर पूर्ण विश्वास, भरोसा, पूर्ण विश्वास, जैसे अभी हम बोला, जब गुरुजी में और भगवान में हम अभिन्न विश्वास करें, शास्त्रों का विचार सा, हरिनाम का जो प्रभाव है जरूर आएगी। तो जिसका जिंदगी में भगवान का नाम का ऊपर पूरा भरोसा है, भक्तिमती ठाकुर कह रहे हैं दैट इज हिज क्वालिफिकेशन, यही इसका क्वालिफिकेशन है और कुछ नहीं। जो नाम में पूर्ण विश्वास हो जाना, दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन, विच मीन्स इसका माने है गुरुचरण में विश्वास, क्योंकि गुरुचरण विश्वास नाम में कैसे होगा, भगवान में कैसे हो, नाम नामी अभिन्न। जैसे हमारा गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का अष्टकम में भी लिखा है, फिर कीर्तन में भी है, भक्तिमती ठाकुर जी ने लिखा है गौरव जवने भेद नामानी वो होइबो राधारो दास है, गौरव ब्रजवने भेद नाम, तार माने इसका माने गौरधाम और वृंदावन अलग नहीं है, गौरकिशोर बाबा जी महाराज के संग ये है, गौर ब्रजाभेद विशिष्ट प्रज्ञम, आप समझा नहीं ना, गौर ब्रजाभेद विशिष्ट प्रज्ञम, जिसका जिंदगी में पूरा ये विश्वास ये गौर और ब्रजधाम एक है, गौर ब्रजधाम ये गौरकिशोर बाबा जी महाराज है, तो एक ही हुआ। तो जिनका जिंदगी में नाम पर पूर्ण विश्वास हो गया, यही वास्तव हरिनाम का अधिकारी है।
अधिकारी है, तो फिर इसका लिए और दिखा पिखा क्या करे, ये तो हो ही गया, ये तो हो ही गया ना। जैसे हमने बताया परीक्षित महाराज भागवत सुनते सुनते इसका सब हो गया। आ किसी के जिनमें दिखा लिया 60 साल हो गया फिर भी कुछ नहीं हुआ, कैसे ऐसे संभव है महाराज आप बताओ। भक्तिविनोद ठाकुर ने यह विचार बताया, दिखा पुरस्चरण विधि अपेक्षा न करे, इसके द्वारा ये मत समझो कि दिखा आदि दरकार नहीं, ये बेफालतू है, फालतू है, ऐसा मत सुनो। दीक्षा जरूरी है, दीक्षा 100% जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि जड़ संसार के बंधन को काटने के लिए दीक्षा गायत्री मंत्र जरूरी है, दीक्षा। इसीलिए रघुनाथ दास गोसाई जी ने लिखा है, रघुनाथ दास गोसाई जी ने लिखा है कीर्तन में, क्या लिखा है रघुनाथ जी ने लिखा है, गोरो गोष्ठे गोष्ठा लय सुजने भूसुर गणे समन्त्रे श्री नामनी ब्रजन बजुब दंद सरने सदा दम्यम हित्वा कुरुरतिम पु कुरुरतिम कुरुरतिम अपूर्वम मति त्वराम मये शांतर्भ्रात चटुवीर विजाचे धितपदा। क्या बोला? गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूसुरगणे समन्त्रे श्रीनाम्नि आर प्रजनव जुव दंद सरणे सदादम्बम हित्वा कुरुरतिम अपूर्वम अतितरा मये शांतर व्रातस चटुवीर विजाचे धितपदा। आप रघुनाथ दास गोसाई कह रहे हैं, हे भैया आपका चरण को पकड़ कर मैं बोल, चरण को पकड़ कर बोल रहा हूं, हे मन ये काम करो, गुरु गुरु चरण में गोष्ठ में मन वृंदावन में गोष्ठालय में जो ब्रजवासी लोग ब्राह्मण लोग रहता है सुजने भूसुरगण है, भूसुर मने ब्राह्मण भूसुरगण, और अपना जो मंत्र है जो गुरुजी से मिला है समंत्र श्री नामनी एवं हरिनाम में कुरुरतिम अपूर्वम बिल्कुल एकदम लगाओ दिल को कुरुरतिम अपूर्वम अतितराम ओए शांतो भातोस चटभी, ए भैया मेरा मन ये कर ले भाई, हाँ ये पैर पकड़ के मैं प्रार्थना कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? जरूर दिखा जरूरी है, नहीं तो सारे शास्त्रों का विचार बेकार हो जाए। हरिनाम दीक्षा सब जरूरी है, शिक्षा गुरु बत्म पदस्थ गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा ये जरूरी है, कौन बोला जरूरी नहीं है? जरूरी है जरूर, नहीं होने से नहीं होगा ना। लेकिन इसमें एक बात है, अगर किसी का जिंदगी में जन्म जन्म का ऐसा सुख ऐसा भाव पैदा हो गया, जन्म जन्म का संस्कार ये हरिनाम से उसका मजा आता है, हरिनाम में ही इसका आनंद आता है, हरिनाम बचपन से जैसे प्रहलाद जी भगवान का नाम करते थे, ध्रुव महाराज जी पद्म पलाश लोचन, प्रहलाद महाराज जी हरि 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 प्रहलाद स्मरण में मन में शरण करते थे। तो इनों का ऐसा संस्कार है कि जन्म जन्म की संस्कार कैसा, कोई दिव्य पुरुष भी आया है, ऐसा नहीं कि पूर्व जन्म में कोई जीवात्मा या ऐसा भी नहीं, कभी ऐसा भी हो सकता जैसे भक्ति में ठाकुर आया प्रभुपाद आया तो इन लोगों का जी हरिदास ठाकुर है, क्या बद्ध जी भी है हमारा बाप जन्म से हरिनाम में रुचि है, तो ये अलग बात है। भक्ति में ठाकुर जी ने विचार बता रहे हैं, कोई अगर सोचे समझे कि हरिनाम दीक्षा लेने का जो प्रसंग है हरिनाम से हो जाएगा दीक्षा पिका को जरूरी है, ऐसा नहीं है। भक्ति में ठाकुर ऐसा नहीं है, जिसका
पूर्व जन्म जन्म का ऐसा है कि इसका हरिनाम में स्वाभाविक रूप में इसका रुचि है और इसका पूर्ण विश्वास है कि हरिनाम के द्वारा ही सब हो सकते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर का हरिनाम के द्वारा सब कुछ, कि ये नामाचार्य जो है, ये नामाचार्य जो है ना, नामाचार्य जो है हरिनाम के द्वारा इसका सब कुछ। हरिनाम भक्तिम ठाकुर जी ने बताया जिसका जिंदगी में ऐसा प्रबल विश्वास है हरिनाम भगवान है स्वयं, हरिनाम सब कुछ है, ये अगर किसी से हरिनाम प्राप्त हुए, ये हरिनाम के द्वारा इसका सब कुछ होता है। इसी के लिए बताया गया दीक्षा पुरस्चरण विधि अपेक्षा न करे, हर कोई के लिए नहीं है। ध्यान दे इस बात पर, ये बात जो हमने बताया नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी, हर आदमी का ये ऐसा नहीं है। जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि हर कोई को दीक्षा पुरुष दीक्षा कर दीक्षा लेना ही पड़ेगा। जैसे कुछ दिन पहले देवानंद गौरी मठ का एक महाराज जी आए और मेरे को शिकायत किए, देखो एक मंदिर है बजबज में कलकत्ता में किसी दूर, वहाँ माताजी लोग सब संन्यास ले रहा है, दे रहा है, दीक्षा दे रहे, इसका प्रतिवाद होनी चाहिए। हम देखो प्रतिवाद करते करते मैं यहाँ तक आया, कोई सुनने वाला नहीं। तो ठीक है आप कह रहे हो हम आप ठीक है हम आपको सहायता करेंगे। इसके बाद मैंने इंटरनेट में दिया लिखित रूप में कि कोई अगर आए लड़ाई करने के लिए आए, ये तो उचित नहीं है ना, शास्त्रों का अपमान दिया। एक विदेशी माता जी ने ऐसा लड़ाई शुरू कर दिया, वो बहुत विश्वास रखती थी, बहु आप उसका पास कितना है मैं जानता नहीं हूँ, जानता नहीं, वो क्या वो हमारा अगेंस्ट में चला गया। इतना सुनते हैं हरी कथा, जिंदगी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका जवाब मेरे से उसको नहीं प्राप्त हुआ होगा सब। इसके बावजूद असत्संग के कारण इसका पतन, और इन्होंने इन्होंने हमको लिखा, आप हरी कथा में बार बार बोलते हो माताजी लोगों का दीक्षा गुरु का काम करना है सब आप बताते हो बार बार। आप हम बोला ये तो शास्त्रों का बात बताए, हमने अपना बात नहीं बताया। फिर तर्क उठाया, भले ये हेमलता ठाकुरानी जन्मडगर उन देखो ईश्वर का बात स्पेशल है। इसके बाद जो जवाब दिया ये लाजवाब है, इसके बाद जो हम जो जवाब दिया है इसके बाद जो हम जवाब दिया ये लाजवाब था, इसके लिए वो चुप हो गया सेटअप एकदम जिंदगी भर के लिए उसको चुप पड़ा दिया, क्योंकि शास्त्रों का खिलाफ जा रहा है, मैं क्या करूं ये मजबूरी है। ऐसा ही बात है, लोग नहीं मानना चाहता है तो मनाना पड़ता है, मान नहीं तो जा छोड़ दे भजन। हम बोला तुम चले जाओ देश में, चले जाओ, क्यों आए हो विदेश से, विदेश से क्यों आए हो, हरि भजन करने के लिए आए हो, लूटने के लिए आए हो क्या है, अब गुरु बनना चाहते हो है बदमाश सब। तो बाद में क्या हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर का जो विचार है, भक्ति विनोद ठाकुर जी का विचार ये है, किसी का अगर जिंदगी में ऐसा देखा गया ये हरिनाम के द्वारा सब कुछ मिले, हरिनाम के द्वारा सब कुछ, कुछ और दिखा का जरूरी है नहीं, लेकिन ये जनरल रूल्स नहीं है, इट इज एक्सेप्शनल केस, इट इज वेरी वेरी एक्सेप्शनल केस, वेरी स्पेशल केस, इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी। जनरल रूल्स है दीक्षा आदि सब लेके धीरे धीरे आगे बढ़ो, और दीक्षा का मतलब क्या है ये भी समझ लो, दिव्य ज्ञान यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम्। दिव्य ज्ञान यतो दद्यात्, जिसके द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्ति हो जाए, दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो जाए और अनंत काल का पाप राशि मिट्टी में मिल जाए, धूली में मिल जाए, ऐसा अगर हो तो इसका नाम है दीक्षा, नहीं तो लोग दिखाने के लिए एग्जीबिशन ऑफ दीक्षा इज नॉट दीक्षा। भक्ति में ठाकुर ने बड़ा अफसोस किया,
बड़ा अफसोस किया, लिखा भी है, आजकल का कोई आचार्य जो कोई ये सब विषय में ध्यान नहीं देते हो, इसीलिए अव्यवस्था फैल गया चारों ओर, फिर बुला रहा है, जैसे दुकान है ना, दुकान में बुलाता है, बुलाता है ना, हमारा दुकान में आइए, आप कलकत्ता में जाओ हाथी बाजार में, हाथी बाजार में वहां हमारा दुकान में आओ, ऐसा बुला बुला के ले आते हैं। ऐसा होने से दीक्षा हो नहीं पाता। भक्तिवेद ठाकुर जी ने अफसोस किया, ये लोग हरिभक्ति विलास का कोई बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये लोग समाज में अव्यवस्था फैला दिया, पूरा खराब कर दिया, एक भी बात पर ध्यान नहीं देते, किसी को दीक्षा देने के पहले हरिनाम देने के पहले साहब ले जा ले जा ले जा ले जा, मार्केट खुला है, मार्केट खुला है, ले जा, लूटना है तो लूटो नहीं तो फूटो, वृंदावन में भंडारा में ऐसा बोलते थे, ए राधा जी का भंडारा है, ए भंडार, लूटना है तो लूटो नहीं तो फूटो, ऐसा ही बोलते। अब ये लोगों को पता नहीं क्या बोल रहा है, पागल का माफी। तो भक्तिवेद ठाकुर का ये विचार है, पौपात का विचार है, गुरुवर्गो का ये विचार है, इसका अन्यथा होने से, इसका अन्यथा होने से अमंगल ही अमंगल फैल जाएगा जो हो रहा है। हमने बोला अब हरिकथा में भी दो तीन, विद इन टू ईयर्स कमिंग, दो चार साल का अंदर में हमारा समाज में कैसा क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, आप सुनोगे तो हिल जाओगे, हमने पहले से बोल दिया, दो चार साल ज्यादा नहीं, इसका अंदर में जो हालत पैदा होने जा रहा है आप देखोगे, आप देख लेना, अगर भजन करना करने का इच्छा है तो पक्का भजन करो, चुपचाप हो जाओ, चुपचाप हो जाओ, ज्यादा नेतागिरी मत करो, गुरुगिरी मत करो, नेतागिरी मत करो, चुपचाप भजन करो, नहीं तो मरोगे, बचोगे नहीं, सावधान, हमको भी बचना है आपको भी बचाना है। तो यहाँ तक हमारा क्षुद्र प्रवचन का विश्राम दे दे, क्योंकि समय कम है, फिर दूसरा शुरू होने जा रहा है। जन्नाम धीयम म्रियमान अतुरः पतन स्खलन वा विवसो गृणन पुमान विमुक्तो कर्मार्गल उत्तमाम गतिम प्राप्नोति जक्षन्ति नौतंकलौ जनः वांछकल्पतरुषि कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।